प्याज के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। जो प्याज बाजार में 20 रुपए किलो बिक रहे थे वह अब 60 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ने आजादपुर मंडी में जाकर इसका जायजा लिया कि प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। एपीएमसी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नई प्याज के बाजार में देरी से आने के कारण और स्टॉक कम होने के कारण प्याज के भाव बढ़ गए, लेकिन अब वह नीचे आने लगेंगे। एपीएमसी के पूर्व सदस्य सुरेंद्र बुद्धिराजन ने बताया कि पिछले साल किसान को नुकसान होने के कारण इस बार किसान ने बिजाई कम की, जिससे भाव थोड़ा बढ़ गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या नाम आपका? राजू। राजकुमार, आप यहाँ प्याज लेने आए हैं? हाँ जी। क्या मतलब कि जो फेर बदल कर रहा है रेटों में, क्या है इसका? हमें नहीं पता भाई, क्या बाजार टाइट है? बाजार टाइट है, पहले डबल रेट है। पहले 1200 का था, अब 2200 का, 2250 का, 40 किलो पहले से महंगा हो। हाँ, पहले से महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? पहले क्या रहा था? पहले 1000 का लेगा था। तो अब मार्केट में आप रिटेल में बेचेंगे, क्या रेट बिक रहा है? अब 60-70 तो बिकेगा ही, 70-80। आपको ही परेशानी होती है? वो तो परेशानी होगी, तो दिन के 10 घंटे में तो 5 भी नहीं मिल पा रहा। ले जा तो रहा हूँ, देखो। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ादपुर मंडी के अंदर, और जैसा कि ये जो प्याज के जो भाव हैं ये ऊपर चढ़ते जा रहे हैं लगातार, जो रेट पिछले कई दिनों से थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके लिए हम जानने के लिए हमारे साथ बैठे मुनीश कपूर जी, जो कि प्याज के व्यापारी हैं। मुनीश जी, आप बताएं कि ये जो अचानक जो इसका भाव जो बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है? देखिए जी, ये एक महीने का गैप आया गया है नई फसल आने में और पुरानी फसल जाने में, तो ये इस गैप की वजह से परेशानी आई है। ये परेशानी आज से 1-1.5 महीने पहले भी आती, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट आया है। हाँ, अब जो तेज़ी है ये दिवाली तक बरकरार रहेगी, दिवाली के बाद भाव का उतार आना शुरू होगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो नवंबर में शायद राहत ना मिले, लेकिन राहत आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी कितना असर पड़ेगा, और इसका जो भाव है ये मार्केट के अंदर यानी खुदरा बाज़ार के अंदर क्या जाएगा? देखो जी, मंडी के अंदर 70-80% प्राइस इंक्रीज हो गया है, बाहर इस चीज़ का रेट डबल पड़ता है। जो बाहर प्याज 30 रुपये से लेकर 40 रुपये बिक रही थी, आज की डेट में 70 से 80 रुपये, तो उस हिसाब से आप डबल इफेक्ट कह सकते हैं, और ये दिवाली तक रहेगा। तो ये जो मतलब भाव बढ़ता है, ये क्या आवक की कमी से बढ़ता है या कोई स्टॉकेज का मामला रहता है इसमें? नहीं, स्टॉक का ही मामला रहता है, पीछे अरावलें कम हो जाती है, जहाँ से माल आ रहा होता है वहाँ अरावलें कम हो जाती है। अगर आप आज देखेंगे, जहाँ भी इस टाइम पर जो सप्लाई स्टेट है, सप्लाई स्टेट है महाराष्ट्र, सप्लाई स्टेट है MP, सप्लाई स्टेट है राजस्थान, वहाँ की मंडियों के लोकल भाव लेंगे आप, वो आज भी दिल्ली मंडी से ऊपर है। तो क्या माना जाए कि जो बाहर से जो माल आता है वो सस्ता पड़ता है जो हमारे देश के जो अंदर माल है? क्योंकि सुनने में आया कि मतलब बाहर से, जैसे अफगानिस्तान से आइए, 500 गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी 47-48 रुपये की रेंज में बिक रही हैं। मेन बात क्या है, अफगानिस्तान की प्याज हाउस होल्ड के लिए नहीं होती है, वो 1 किलो के अंदर 2 से 3 दाने चलते हैं और उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो बेसिकली होटल इंडस्ट्री के लिए, यह कहते हैं मार्केट में कमी जो होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए, तो वो हाउस होल्ड के मतलब की नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ मार्केट को सपोर्ट करती है, कुछ उसको ब्रेक लगाती है। तो अभी ये मान के चलें कि ये जो भाव है ये दिवाली तक रहेगा, उसके बाद कम होगा? हाँ जी, दिवाली तक इसका चढ़ाव रहेगा और दिवाली के बाद इसकी ढलान आएगी, जो आते उतरते उतरते जिसे हम कह सकते हैं कि 1000 की या 1200 की रेंज जो आनी है, वो नवंबर एंड तक आने की उम्मीद है। तो नवंबर तो कुछ टाइट रहेगा, लेकिन जो जितना आपने पिछले एक हफ्ते या 10 दिन में तेज़ी भाव देखा है, इसमें कुछ कंट्रोल आ जाएगा। अगर हम मान के चलें कि इसका हाईएस्ट रेट जो है वो कितना जाएगा मार्केट के हिसाब से? देखो जी, जब आदमी गैस लगाता है तो उस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं लगता, क्योंकि हम तो स्टेयरिंग व्हील, हमारे हाथ में स्टेयरिंग व्हील पिछले सप्लाई स्टेटों के हाथ में, लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल मानना है, चाहे दिवाली पहले आ जाए, चाहे 3000 का 40 किलो का रेट पहले आ जाए, जो उनसे चीज़ पहले टच हो जाएगी उसके बाद बैक लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, देखिए, जो प्याज है वो सलाद और खाने में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना स्वाद नहीं आता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि दिवाली पहले आएगी या रेट पहले आएगा। और मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली। जिस तरीके से प्याज के जो भाव बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, प्याज के भाव जो बढ़े हैं, कल तक बढ़े हैं, आज तो गिरे हैं, और अब धीरे धीरे प्याज के दाम कम होंगे। ये असल में जो भाव बढ़े हैं, इसलिए बढ़े हैं क्योंकि
जो नई फसल है वो 10-15 दिन लेट हो गई और स्टॉक कुछ कम पड़ गया, तो बाज़ार हाईएस्ट कल था 50 से 65 रुपए और आज है 45 से 60 रुपए। परसों और भी गिरेगा क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी में भी बाज़ार गिरा है। जैसे पीछे काफ़ी टाइम पहले जब बाज़ार सस्ता था तो मार्केट के अंदर 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो प्याज बिके, क्या ये भाव दोबारा आने के चांस है? देखिए 10-15 तो बिकना भी नहीं चाहिए, किसान बर्बाद हो जाएगा। 20-1 रुपये रहना चाहिए और रहेगा, ठीक ना जी। अभी कितने दिन में आता है वो बात अलग है, क्योंकि धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे फसल आएगी, तो इसलिए 15 रुपये से ऊपर बिकेगा तो किसान को पैसे मिलेंगे, अगर थोक में 15 से कम बिकता है तो किसान को घाटा है और वो भी नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से अपना भारतीय राष्ट्रीय इसमें क्या इसका इन्होंने बहुत मेहनत की है तभी रेट रुके हैं, वरना रेट और बहुत ज़्यादा होते। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में इनकी करीबन 12-14 गाड़ी रोज़ आती रही है बिकने के लिए, और उसके कारण बाज़ार जो बहुत अनाप शनाप तेज़ होना था वो नहीं हो पाया। इनकी गाड़ियाँ पूरे देश में गई हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि NCF ने कंज्यूमर को इस बार बहुत फ़ायदा किया है। प्याज का कारण तेजी का है कि पिछले साल किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पिछले साल समझो नवंबर दिसंबर जनवरी तक गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक था 3 लाख टन का, वो उन्होंने नवंबर दिसंबर में निकाला। उधर नया माल चालू हो गया था, नया माल चालू हो गया और दूसरा पुराना माल स्टॉक पड़ा था गवर्नमेंट का, वो दोनों मार्केट में आ गए और नया माल किसान को भाव मिला नहीं। किसान को भाव नहीं मिला तो किसान ने बिजाई कम करी। इस साल बिजाई 80% हुआ, 80% बिजाई के बाद पोजिशन ये रहा कि अप्रैल में बारिश रही, बारिश से काफ़ी माल 20% माल तो बारिश में नुकसान हो गया और बारिश नुकसान होने का 60% माल रह गया। 60% गवर्नमेंट ने स्टॉक किया 5 लाख टन का और गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए इस साल गवर्नमेंट ने प्याज का जो स्टॉक है अगस्त में निकालना शुरू कर दिया। अगस्त में इन्हें क्लियर करना शुरू किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर अब गवर्नमेंट के माल 3.5-3 लाख टन माल मेरे निकल गया, 1.5 लाख टन माल होगा अंदाजा। और अभी समझो किसानों ने भी घबरा के माल के पीछे एंड में नवंबर दिसंबर में घबरा के माल समझो निकाल लिए कि नवंबर दिसंबर में हम पिट गए थे तो उन्होंने माल रोका नहीं, वो टाइम से माल किसानों ने भी निकाल दिया, उन्होंने भी 9, 10, 15, 20 में माल अपना निकाल दिया। व्यापारी स्टॉक करता नहीं, अब व्यापारी को 3-4 साल से नुकसान है, व्यापारी को स्टॉक करता नहीं है, किसान जो स्टॉक करता है किसान को नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा इसी कारण। और दूसरा कर्नाटक के अंदर पानी की कमी कारण, कर्नाटक में पानी की कमी कारण वहाँ भी फसल बहुत कम रही, 25-30% फसल है कर्नाटक के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा समझो फ़र्क पड़ेगा बाज़ार में। माल की शॉर्टेज ज़्यादा है इस टाइम, पूरी इंडिया के अंदर माल बहुत कम है। अभी 15-20 दिन के बाद राजस्थान अलवर का डिस्ट्रिक्ट से माल निकलने वाला है, वो आगे कुछ पूर्ति करेगा, वरना वो भी अभी बारिश पड़ गई ख़राब हो गया तो प्याज पता नहीं कहाँ से कहाँ रिकॉर्ड, टमाटर की तरह प्याज भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है क्योंकि पुराना प्याज स्टॉक में नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी माल कम है, तो अगर बारिश पड़ जाती है नए माल पर नुकसान होता है तो टमाटर वाला हाल प्याज का भी होगा।